कार्यक्रम आपके हाथ होने चाहिए। घी को और पानी को मिलाइए बढ़िया से और हाथ अग्नि की तरफ कीजिए। ओम तेजोमसि तेजोमयि धीहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धीहि, ओम बलमसि बलमयि धीहि, ओम ओजोमसि ओजोमयि धीहि, ओम मन्योरसि मन्योमयि धीहि, ओम सहोऽसि सहोऽमयि धीहि। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आप सभी हाथ जोड़ करके बैठे, सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और वेद मंत्रों के माध्यम से आपने क्या प्रार्थनाएं क्या कामनाएं की है आंखें बंद करें, क्योंकि आप बोलते हैं ना हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। आप हाथ जोड़ के बैठे नहीं हो तो फिर जब ये पंक्ति आते तो फिर हाथ पटकते हैं, इसीलिए पहले से हाथ जोड़ करके बैठना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में हम प्रारंभ से ही हाथ जोड़ करके बैठेंगे। चलिए Thank you.
कार्यक्रम आज आपने पूर्ण किया है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको इस पावन यज्ञ में भाग लेने का और इस शिविर में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कल किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि 5 यज्ञ क्यों करने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका। और आर्य समाज की जो मूल थिंकिंग है, जो मूल आधारशिला है, वो पंच महायज्ञ है। एक बहुत सुंदर भजन के माध्यम से, बहुत छोटा सा एक भजन है, समय है तो 5 मिनट। हाँ, एक बहुत छोटा सा एक भजन है, इसमें 5 महा